दूसरी तरफ उत्तर से चीन अपना अतिक्रमण बढ़ाए जा रहा है दशकों से, और हाल के सालों में तो हद से ज्यादा, और ये भी छुपाया जा रहा है। एक तरफ इतनी पीड़ा इन चरवाहे समुदायों को, और उसके बाद वो आह भी ना कर पाए। अगर वो आह करें, अगर कोई कहे कि यहां पर जमीनें गई हैं हमारी, हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। तो मैं कहता हूं, हाँ, हम आह भी भर लें तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ये हालत है आज की सरकार की। हम पे जो जुल्म हो रहा है, हमारे सर कट रहे हैं, हम आह करें तो देशद्रोही बन रहे हैं। जो 4000 स्क्वायर किलोमीटर चीनियों को सौंप दे, चर्चा नहीं होती। तो अब होगा लद्दाख के लोग जाकर वास्तविक भूमि पर उद्योगों को कितना चरागा जा रहा है, कितने किलोमीटरों, मतलब एक पूरा शहर जितना जमीन उद्योगों के लिए चरवाहों के चरागे जा रहे हैं। दूसरी तरफ उससे भी 20 गुना ज्यादा चीन को जा रहा है। तो क्या हालत है इन चरवाहों की, देश को दिखाने की जरूरत है, ताकि उन्हें समझ आए कि ये संरक्षण लद्दाख के लोग कुछ ऐसे ही नहीं मांग रहे हैं। जरूरत है इसकी, उनके जान पे बन आई है, उनके रोजी पे बन आई है।